नमस्कार, राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हिमांशु अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ। बीजेपी ने अब अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद पर रेवाड़ी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के पद पर फोकस कर लिया है। तीनों निगमों में सीनियर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इन तीनों नगर निगमों के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। इन निगमों के चुने हुए पार्षदों द्वारा ही दोनों पदों के लिए चयन किया जाना है। पंचकुला में परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, अंबाला में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सोनीपत में पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और रेवाड़ी में वाइस चेयरमैन पद के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। प्रदेश में 50 के करीब नगर परिषदों और नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी जून जुलाई में पूरा होगा। बता दें कि तीन नगर निगमों पंचकुला में बीजेपी के कुलभूषण गोयल, अंबाला में जन चेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा, सोनीपत में कांग्रेस के मदान ने जीत दर्ज की थी और रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल फिर से हरियाणा में चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है, वो भी किसान आंदोलन के बीच, क्या कुछ स्थिति वहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए जो भाजपा ने जो अब अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में डिप्टी मेयर व सीनियर डिप्टी मेयर पदों पर जो है फोकस करना शुरू कर दिया, वहीं जो रेवाड़ी जो नगर परिषद के जो वाइस चेयरमैन पद पर भी जो है बीजेपी ने अपने जो है ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो अभी हाल ही में जो तीनों नगर निगम चुनाव और जो ये नगर परिषद रेवाड़ी में जो चुनाव हुआ था, इसमें कांग्रेस के पाले में जो सोनीपत सीट गई थी, वहीं जो है शक्ति रानी शर्मा जो है ये इन्होंने अंबाला की जो सीट अपने कब्जे में करी थी, और वहीं जो पंचकुला की जो सीट है, एकमात्र सीट चेयरमैन जो नगर निगम के मेयर की जो सीट है वो बीजेपी के खाते गई थी, और वहीं जो नगर परिषद रेवाड़ी में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो अब जो प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा ओपी धनखड़ है, उन्होंने जो है इन डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के जो चुनावों के लिए जो है पर्यवेक्षक जो है नियुक्त कर दिए गए हैं। और पर्यवेक्षक जैसे बात करें, परिवहन मंत्री जो है मूलचंद शर्मा, उनको पंचकुला में पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, उनको जो है अंबाला में नियुक्ति की गई है। सोनीपत में जो है पूर्व जो वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, उनको पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया। वहीं रेवाड़ी में जो वाइस चेयरमैन पद के लिए जो चुनाव होगा, उसके केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जो गुर्जर हैं, सांसद हैं, जो उनको जो है नियुक्त किया गया है। अब जो ये चुनाव है, ये जो पार्षद जो जीत गए हैं, वो ही डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का जो है चुनाव उनके द्वारा किया जाएगा। वो जो चेयर जो पार्षद है वो इनका चुनाव करेंगे। तो अब जो बीजेपी है वो इस तरह की गतिविधियां उन्होंने तेज कर दी है कि जो तमाम जो ये पद हैं वो बीजेपी के खाते में जाएं। जी बिल्कुल अभिषेक, बीजेपी ने अपने चारों दिग्गज पर्यवेक्षक के तौर पर उतारे हैं, बीजेपी कहीं भी चूक करना नहीं चाहते फिलहाल। जी बिल्कुल, बीजेपी की ओर से जैसे अब नगर निगम का जो रिजल्ट आया था, उसमें सिर्फ तीन जैसे नगर निगम में जो मेयर पद के जो चुनाव थे, उसमें सिर्फ बीजेपी को एक सीट पर ही संघोष करना पड़ा, जो पंचकुला की जो सीट थी। वहीं जन चेतना जो पार्टी थी, उसमें शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला से जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने सोनीपत की जो सीट थी वो जीतकर बीजेपी के प्रतिद्वंदी को वहां से जो है हरा दिया था। तो अब जो है बीजेपी का जो फोकस है वो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी जो मेयर है उसके चुनाव पर है। वो चाहेगी जो अब किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसका जो प्रभाव है वो ये मैसेज जा सके कि जो अगर ये जीत दर्ज करती है तो किसान आंदोलन का जो है हरियाणा में किसी तरह का जो असर नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो पंजाब में जिस तरह के निगम के चुनाव का रिजल्ट आया है, तो ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर पूरा हावी जो है किसान आंदोलन रहा है और कांग्रेस ने पूरा अपना
परचम इन चुनावों में लहराया, तो इसका बीजेपी को ये जरूर मैसेज देना चाहेगी कि हरियाणा में इस तरह का जो है किसान आंदोलन का किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि अब जो फरवरी 23 से जो है पंचायत चुनावों का जो पंचायतों हैं प्रदेश की तमाम, उनमें कार्यकाल खत्म हो जाएगा, अधिकारियों के पास जो है उसकी पावर चली जाएगी जिला अधिकारियों के पास, ऐसे में बीजेपी जरूर कहीं ना कहीं जो है पंचायत चुनावों से जरूर बच रही है किसान आंदोलन को देखते हुए। जी अभिषेक, प्रत्याशियों को नामों को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी अभी ये देखिए सूची कोई इस तरह की बीजेपी या कांग्रेस की बात करें या किसी अन्य पार्टी की, तो और से ना सूची अभी जारी नहीं की गई है। अभी बैठकों का दौर जारी रहेगा, उसके बाद ही जो है सूची जो है वो जारी होगी, क्योंकि अभी हाल ही में सोनीपत में जो ओपी धनखड़ जो है वो दौरा करके आए थे, क्योंकि वहां पर 10 पार्षद कांग्रेस के हैं और 10 ही पार्षद बीजेपी के हैं, वहाँ एक निर्दलीय है, तो निर्दलीय का वोट जो है काफी महत्व रखने वाला है, और जो दोनों जो पार्टियां हैं वो जरूर निर्दलीय जो पार्षद है उसको अपने पाले में खींचने की तैयारी में जुटी हुई है, या फिर अन्य जो दोनों ही पार्टियां हैं अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों के जो पार्षद है उनकी जरूर सेंध लगाने का काम करेंगे, क्योंकि अभी 10 ये रोचक रहेगा, क्योंकि 10 ही जो पार्षद कांग्रेस के हैं और 10 ही जो है बीजेपी के पार्षद सोनीपत में जीत दर्ज करके आए, तो अब यहाँ पर जो है मुकाबला कड़ा देखा जाएगा और जल्दी ही जो है लिस्ट जारी की जाएगी कि बीजेपी की ओर से कौन कैंडिडेट मैदान में रहेंगे और वहीं कांग्रेस की ओर से अन्य जो पार्टियां वो भी जल्दी ऐलान करेंगी। बैठकों को लेकर आगे की रणनीति बीजेपी की क्या कुछ रहेगी, इसको लेकर क्या बीजेपी की ओर से कोई जानकारी दी गई है? अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक जो है जरूर नियुक्त कर दिए गए हैं, तो पर्यवेक्षक समय समय पर वहां दौरा करेंगे और वहां अपने जो कैंडिडेट हैं या फिर जो पार्षद है उनसे वन टू वन बात करेंगे, ताकि जो क्रॉस वोटिंग का जो खतरा रहता है अमूमन वो ना हो, और वहीं जो है दूसरी जो पार्टी के जो पार्षद हैं उनको जरूर ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पार्षद है अगर डेवलपमेंट उसके इलाके में या उसके ब्लॉक में जो होता है, जो पार्षद अपना डेवलपमेंट की जो बात करता है जनता के साथ जो वादा करके आया होता है वो उसको पूरा करने के लिए सरकार का साथ देना जरूरी है, इस तरह का जो है मैसेज जरूर सरकार की ओर से पार्षदों को पहुंचाया जाएगा। अगर डेवलपमेंट करवानी तो सरकार के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि ग्रांट मिलेगी तभी जाके जो है डेवलपमेंट के काम हो पाते हैं। तो इस तरह के जो प्रवेशक जो अब है नियुक्त कर दिए गए वो तमाम जो पार्षद हैं उन अपनी पार्टी के हों या फिर अन्य पार्टी के, उनके साथ जरूर वन टू वन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की जो कुर्सी है वो बीजेपी की पास आए। जी कौन सी सीट पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन सी सीट पर ऐसा लग रहा है, बात करें कि बीजेपी को आसानी से जीत मिल जाएगी, या फिर कहां पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है? जी देखिए कड़ी टक्कर की बात करें या पेच फंसने की बात करें, तो सोनीपत जो सीट है वहां पर ज्यादा कड़ा मुकाबला हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, क्योंकि 10 पार्षद जो हैं वो कांग्रेस के हैं और वहीं 10 पार्षद जो हैं वो बीजेपी के हैं, एक निर्दलीय जीत कर वहां पर पार्षद बने हैं, तो ऐसे में जो वोट है वो निर्दलीय पार्षद का बड़ा अहम रहने वाला है। अगर जिसका वोट निर्दलीय पार्षद का जिस भी पार्टी को वोट जाएगा उसका जो है जीत जो है वो आसान रहेगी, उसी की डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर की जो बात करें उसको कुर्सी उसको मिलने वाली है। तो अब कड़ा मुकाबला सोनीपत में रहने वाला, और वहीं जो सेंधमारी की जो बात है वो उसका भी पार्टियां दोनों अपना इंतजाम करेंगी, ताकि किसी तरह की जो सेंधमारी की ना हो सके, क्रॉस वोटिंग ना हो सके, तो इस तरह का जो कड़ा मुकाबला जो देखने को मिलेगा वो सोनीपत में मिलेगा। तो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं बीजेपी ने, इसके ऊपर कांग्रेस की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक, क्योंकि दिग्गजों को मैदान में उतारा है बीजेपी, कोई भी चूक नहीं चाहती, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते पहले भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट जो है कम हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस की बात करें तो अब कांग्रेस की ओर से भी इस तरह की तैयारियां कर दी जाएंगी, कांग्रेस का यही कहना है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो और जिस तरह की रिजल्ट नगर निगम चुनावों में आए थे और पंजाब का उदाहरण भी देते हुए दिख रहे हैं कि जो किसानों के साथ जिस तरह का अन्याय हुआ, तो पंजाब के नगर निगम चुनावों में जो है उसका किसानों ने जवाब दिया और बीजेपी को वहां पर बिल्कुल ही शून्य पर और अकाली दल को भी एक शून्य के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो इस तरह का ही उनका अनुमान है और दावा भी है कि हरियाणा में भी जो रिजल्ट आने वाला है वो इसी तरह का रहेगा, क्योंकि अगर किसानों के साथ अगर
सरकार अन्याय करती है तो उसका जरूर जवाब जो है किसान अपने वोट के द्वारा देंगे, क्योंकि तीनों कृषि कानून जो है ये किसी भी तरह जो है किसानों के हित में नहीं है। और कांग्रेस की पूर्ण रूप से दावा कि हमारी तैयारी है, और जो ये डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी जो मेयर के जो चुनाव होगा उसमें जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वही जीत दर्ज करेगा, और किसान आंदोलन के बीच में एक जो कांग्रेस की ओर से ये सरकार को एक तगड़ा मैसेज होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच चुनाव। हालांकि बीजेपी को पहले भी खामियाजा भुगतना पड़ा है, और अब देखना यही होगा कि इन चुनाव में क्या होता है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के मंगोलपुरी हत्याकांड के बाद अब बेगमपुर नाबालिग युवती का हत्याकांड भी लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में भी अब सियासत एक तौर से तूल पकड़ रही है। दूसरी ओर रविवार को पीड़ित परिवार के आसपास भारी सुरक्षा बल के बीच इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोक दिया जाए। वहीं दूसरी ओर घर से काफी दूरी पर ही बैरिकेटिंग कर मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लव जिहाद से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात से साफ इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लईक खान मृतक युवती को पिछले काफी समय से जानता था। आरोपी का मृतक युवती के घर आना जाना भी था। इलाके के डीसीपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि फरार आरोपी लईक खान को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मेरी जानकारी में या हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। सर, लड़की को परेशान किया जा रहा था, जैसे उनकी माँ ने बाइट दी कि वो स्कूल में गया था, और उसने अपनी मम्मी को फोन भी किया था लड़की ने कि स्कूल काफ़ी समय से बंद है, बच्ची 11वीं में पढ़ती थी, और कभी भी किसी ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की है किसी पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी। सर, पुलिस ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सर वी आर नॉट बीन अलाउड टू मीट द फैमिली मेंबर्स एज़ वेल, आगे भी नहीं जाना, 800 मीटर के करीब पहले रोक दिया गया है, सर क्या रीज़न है? सर नहीं, हम किसी को रोके नहीं है, परिवार थोड़ा अकेलापन चाहता है, हम परिवार से कंसर्न कर लेते हैं। और मैं आप सबसे भी ये विनती कर रहा हूँ कि ये घड़ी ऐसी है कि उनको थोड़ा देर उनके रिश्तेदारों के साथ अकेला छोड़ा जाए, अदरवाइज हमारी तरफ से इस पे कोई रोक नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। मामला लगातार गर्माता जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि मामले को लव जिहाद के एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस इसे साफ तौर पर नकार रही है। सुना आपने कि लव जिहाद से इसे जोड़कर देखा नहीं जा रहा है, जबकि हिंदू थी लड़की, नाबालिग थी और मुस्लिम लड़का था। बेगमपुर इलाका पूरी तरह से छावनी में तब्दील, मीडिया के प्रवेश पर भी रोक। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस बल काफी संख्या में वहां पर तैनात किया गया है। आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे मीडिया की रोक क्यों लगाई गई है वहां पर? जो प्रमोद कुमार है मिश्रा जी, उन्होंने कहीं ना कहीं रोक इसलिए लगाई है कि परिवार से कोई भी व्यक्ति मिल ना सके। मगर सीधे सीधे जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि परिवार को अभी थोड़ी सी अकेलापन चाहिए, क्योंकि अभी वो इसी स्थिति में नहीं है किसी से मिलने के लिए। मगर कहीं ना कहीं साफ जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं पुलिस अपने आप का बचाव करते नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के ऊपर भी आरोप लग रहे थे कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, मगर अब सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने इतनी ज्यादा कर दी है कि पूरे इलाके को छावनी के तौर पर बदल दिया गया है। मगर जिस तरीके से पूरी घटना घटी है, क्योंकि लड़की एक हिंदू परिवार से थी और जो लड़का जो आरोपी था यानी जिसने मर्डर किया वो मुस्लिम परिवार से था, और वो कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ साथ आने जाना उसका लगा हुआ था, और कहीं ना कहीं लड़की के ऊपर प्रेशर बना रहा था
कि वो लड़की से शादी करे, लड़की जो है उससे शादी करे, और वो लड़की से शादी करना चाहता था, मगर लड़की बार बार उसका जो शादी का प्रस्ताव था उसको ठुकराती नजर आ रही थी। मगर जिस तरीके से लगातार इस तरीके की जो घटना घट रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि अभी रिंकू मर्डर केस की जो गुत्थी पूरी तरीके से अभी सुलझी नहीं है। उसके बाद में मंगोलपुरी के एक्स ब्लॉक में ही घटना हो जाती है, उसके अंदर भी एक 18 साल के लड़के की मौत हो जाती है, और वहां पर भी कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल जो था उन्होंने ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जानकार है वो ही व्यक्ति है जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। मगर जिस तरीके से बात करें, लड़की जो है वो नाबालिग थी, यानी कि 18 साल से कम बताई जा रही है, और लगभग कह सकते हैं 11वीं क्लास की पढ़ने वाली बताई जा रही है। मगर जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। जी राजीव, एक और तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी ओर मीडिया पर रोक लगा देना कहां तक वाजिब है? हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पीड़ित परिवार एकांत चाहता है, लेकिन ये बात तो पीड़ित परिवार खुद भी कह सकता है, ये बात पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है। अगर मीडिया से पीड़ित परिवार को कोई परेशानी होगी तो वो खुद भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को रोकना, सच्चाई को अब बाहर आने से रोकना कहां तक वाजिब है? पहले भी पुलिस की ओर से ऐसा किया गया और तमाम सवाल उठे हैं, तो ऐसे में फिर से इस तरीके से पुलिस की ओर से आपकी ओर से सवाल पूछा गया होगा, क्या कुछ जवाब इस पर दिया गया? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें जो डीसीपी है प्रमोद कुमार मिश्रा जी, उनसे जरूर हमने भी पूछा था, यहाँ तक कि ये भी जानने की कोशिश करी कि मीडिया पर रोक क्यों लगाई गई है और इतनी दूरी यानी घर से काफी दूरी पर बैरिकेडर लगा दी गई है और यहाँ तक कि मीडिया को उसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मगर यही सवाल हमने जब डीसीपी साहब से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि जो परिवार वो अभी एकांत चाहता है, मगर सीधा सीधा कहे तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी छवि को बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार छवि जो है पुलिस की गिरती नजर आ रही, चाहे वो 26 जनवरी हिंसा के अंदर हो, वहां पर भी पुलिस की छवि जो है गिरी थी, मगर यहाँ पर भी जिस तरीके से कैसे रिंकू मर्डर केस हुआ, उसके बाद में एक्स ब्लॉक के अंदर एक 18 साल के लड़के की मौत हुई, वहां पर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं थी। मगर जिस तरीके से आप बात करें बेगमपुरी इलाके की, तो वहां पर भी जिस तरीके से 18 साल से कम लड़की नाबालिग लड़की की मर्डर हो जाता है वो भी एक हथौड़े से, क्योंकि एक सिर्फ शादी का प्रस्ताव ठुकराना, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। मगर इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने मीडिया का जो रोक लगाई है वो इसीलिए लगाई गई है ताकि परिवार से कोई भी ना मिल सके और ये मामला इतना हाईलाइट ना हो, क्योंकि जिस तरीके से ये हाईलाइट पकड़ रहा है, यानी कि एक रफ्तार पकड़ रहा है, और मीडिया इनसे जवाब सवाल जानना चाहती है कि भाई आपकी ये किस तरीके से घटना घटी है, वो आरोपी कौन था, क्यों आता था आपके घर पे, और आप लोगों को पता क्यों नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है मीडिया को रोक रही है, सिर्फ इसी वजह से रोक रही है ताकि जो गहराई है वो इतनी खुल के मीडिया के सामने ना आ सके और मीडिया जनता तक ना दिखा सके। कहीं ना कहीं पुलिस की छवि खराब होगी और पुलिस की छवि को रोज सुधारने के लिए शायद इस तरीके का कदम उठाया गया है। मगर देखना होगा क्या इस तरीके की घटनाएं जो लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी इलाके की बात हो, लगातार इस तरीके की घटनाएं जरूर बढ़ रही है, मगर दिल्ली पुलिस शायद इतनी अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रही है। जो जो पहले छवि थी वो डूबती जा रही है और लगातार जो क्राइम बढ़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर, उससे साफ जाहिर है दिल्ली पुलिस की छवि बिगड़ रही है। जी यूपी में हाथरस कांड में जो गलती पुलिस की ओर से की गई थी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी वैसी ही तस्वीरें अब ये दिल्ली में सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, कब पकड़ लेंगे आरोपी को? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें पुलिस की, तो पुलिस की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि क्योंकि डीसीपी साहब ने खुद कहा कि हम आरोपी की पहचान करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए 5 टीमें लगाई हुई हैं और लगातार छापेमारी कर रही है। मगर जिस तरीके से आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार है, क्योंकि जिस तरीके लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये घटना घटे हुए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोपी फरार है उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली पुलिस की जो छवि है वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि उसको सुधारने के लिए बेशक दिल्ली पुलिस के जवाब अधिकारी जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आरोपी को पकड़ लेंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे, मगर ये तो सिर्फ लकीर के फकीर वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी इस तरीके के काम करके निकल जाता है पुलिस की छवि बिल्कुल नहीं है, और यहाँ तक कि जो बदमाश है उनके दिलों में बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं है, क्योंकि चाहे वो रिंकू मर्डर केस के अंदर देखा हो आपने तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था थी, चाहे सीसीटीवी लग रहे हो इलाके के अंदर कुछ भी लग रहा हो, मगर जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे और इलाकों की बात करें, क्योंकि सदर बाजार के अंदर भी एक मर्डर हुआ उसके अंदर भी पुलिस का डर नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटना हो रही है उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस की छवि जो बिगड़ रही है और कहीं ना कहीं जो बदमाशों के अंदर जो खौफ होना चाहिए पुलिस का वो खौफ नहीं है, और लगातार इस तरीके की घटना तो साफ जाहिर है पुलिस
अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रही है, मगर जिस तरीके से मीडिया का मीडिया की जो दूरी बना के रखने की कोशिश की गई है, चाहे वो परिवार से हो चाहे वो जो और केसों के अंदर हो, क्योंकि इस तरीके की मीडिया से दूरी बनाना साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की छवि जो बिगड़ी हुई है। और परिवार से मिलने के लिए अगर परिवार खुद मीडिया से भी कह सकता है कि आप हमसे बात मत कीजिए, हम थोड़ी देर कुछ समय के बाद में आपको जवाब देंगे, तो समझ में आता है। मगर पुलिस को इतनी व्यवस्था करना और छावनी के तौर पर बैरिकेडिंग कर देना और पुलिस को मीडिया को उसके अंदर प्रवेश ना करने देना, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं मीडिया से कुछ छुपाया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मुंबई सहित राज्य भर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए बीएमसी ने पहले ही 1305 इमारतों को सील कर दिया है। इन इलाकों में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं अमरावती शहर और अचलपुर शहर में 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीएमसी काफी सख्ती दिखा रही है। इसी बीच फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वाले लोगों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। बीएमसी ने बताया है कि मुंबई में एक ही दिन में कुल 16,154 लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क ना लगाने का जुर्माना लगाया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले के बाद लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोविड 19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कुछ पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया है, जिसमें लोगों के गैर जरूरी गतिविधियों के लिए रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध यानी कि नाइट कर्फ्यू। स्कूल कॉलेज और निजी कोचिंग कक्षाएं 28 फरवरी तक बंद रहेंगी, जबकि होटल और रेस्टोरेंट की बात करें तो अपने प्रतिष्ठान हर दिन रात 11 बजे तक बंद करने होंगे। तो कोरोना संक्रमण लगातार महाराष्ट्र में फैल रहा है, जिसको लेकर बीएमसी पूरी तरह से एक्टिव। बिना मास्क लगाए गए लोगों का चालान काटा गया है। तो अब अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी रहते हैं तो बिना फेस मास्क लगाए घर से ना निकले, क्योंकि बीएमसी पूरी तरह से अलर्ट एक्टिव मोड पर लगातार चालान काटे जा रहे हैं। और अपनी सुरक्षा अपने हाथ, कोरोना का संक्रमण इतना फैल रहा है तो आप भी इस बात का ख्याल रखिए कि मास्क लगाकर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। फिलहाल नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है कुछ इलाकों में। तो कोरोना को लेकर बीएमसी लगातार सख्त दिखाई दे रही है। एक दिन में 16,000 से अधिक लोगों के चालान किए गए हैं, माफ कीजिए, जुर्माना लगाया गया है 16,000 से अधिक लोगों पर फेस मास्क ना लगाने के चलते जुर्माना बीएमसी की ओर से लगाया गया है, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब बीएमसी सख्त मोड में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, उन जगहों को सील भी किया गया है। तो मुंबई महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते बीएमसी पूरी तरह से एक्टिव, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही सोलह हजार से ज्यादा लोगों पर जुर्माना एक ही दिन में बीएमसी की ओर से लगाया गया। कोरोना को लेकर बीएमसी पूरी तरह से एक्टिव। लगातार मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बीएमसी कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहते। लगातार लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बीएमसी की ओर से लगातार चालान भी किए जा रहे हैं, जुर्माना लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर। 16,000 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया है एक ही दिन में, ये जानकारी मिल रही है। और क्या कुछ बीएमसी की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए हिमांशी, लगातार मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ते जा रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार चिंतित है। महाराष्ट्र सरकार लगातार लोगों से आह्वान कर रही है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क के बिना ना निकले, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद पालन करने। उसके बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं, यही वजह है कि बीएमसी ने खुले तौर पर मुंबई पुलिस और बीएमसी खुद
लगातार पब हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर शादी विवाह का हाल हो, वहां जा जाकर जो है अब जो है छापेमारी कर रही है और लोगों को जो है मास्क न पहनने पर 200 रुपए की फाइन मार रही है। वही मुंबई पुलिस ने 500 रुपए की फाइन रखी है कि किस तरह से पूरे मामले को गंभीरता से लेना है। लगातार मुंबई पुलिस के तमाम जो आला कमान है, बड़े अधिकारी है, वो कह रहे हैं कि आप अगर लॉकडाउन से बचना है तो आपको मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा, उसको लेकर लगातार जो है जागरूकता फैलाई जा रही है। सत्य प्रकाश, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया कुछ इलाकों में, किन इलाकों में लगाया गया? देखिए मुंबई के महाराष्ट्र में पुणे, नासिक, यवतमाल सहित तमाम जो छोटे जिले हैं वहां जो है अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान ये बताया गया है कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सर्विस को जो है पूर्णतः नहीं किया जाएगा। इस बीच में सिर्फ एसेंशियल अत्यावश्यक सेवा को ही रखा गया है। इसके बाद अगर इस तरह से कोई गतिविधियां पाई जाती है उसके बाद तुरंत कार्रवाई होगी। पुलिस को भी फरमान जारी कर दिया गया है कि आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। लगातार पुलिस भी लोगों का अनाउंस कर रही है तो अगर लॉकडाउन से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग जरूर करें। जो भी इस तरह से चीजें नहीं कर पा रहा है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कदम उठाने का एहतियात किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन का काम किस प्रकार से चल रहा है वहां पर? देखिए हिमांशी, इस वक्त जो है राज्य सरकार द्वारा तमाम जो सरकारी कर्मचारी है उनको दूसरे फेज की मतलब 28 दिन के बाद जो वैक्सीन दिए जाने का वो भी सिलसिला लगभग 4 दिन से जारी है। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि किस तरह से लोगों का प्रभाव है, किस तरह से। वहीं मुंबई ज्वाइंट कमिश्नर ने खुद आह्वान किया है कोरोना वैक्सीन का काम शुरू है। ऐसे में हर वक्त हर शख्स के पास जो है कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से संयम रखना है उसका पालन करें। कोरोना का जो प्रोटोकॉल जो महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसको पालन करना बेहद जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से कल महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है कि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इस बीच अगर जनता कुछ जागरूक नहीं होती, जनता कुछ जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं होती तो जाहिर तौर पर नाइट कर्फ्यू के अलावा लॉकडाउन भी लगने की उम्मीदें हैं। शुक्रिया सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि बीएमसी पूरी तरह से एक्टिव मोड में फिलहाल। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कांकेर में नक्सली साजिश को नाकाम करते हुए बीएसएफ जवानों ने आमाबेड़ा बोड़ा गांव मार्ग से 3 IED बम को बरामद किया है। बता दें कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन बमों को प्लांट किया गया था। सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले जवानों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। फिलहाल 3 IED बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है। फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज़। नमस्कार।